अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है लेक्चर नंबर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है वो प्रो टिप्स, यानी कि समझ लें ये क्लाइंट हंटिंग की वो वाली टिप्स है। अगर आप इस पर काम करेंगे और आप ये कहेंगे क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो इसमें आपकी मिस्टेक्स होंगी। अदरवाइज जो है इस टिप्स के जरिए बहुत जल्दी आपको क्लाइंट मिल सकता है और बहुत जल्दी आप जो है वो क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टिप्स में मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पर ही जाके देखते हैं जी। यहाँ से मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से अपना लिंक्डइन ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा लिंक्डइन चल रहा है। और देख लेते हैं हमारा लेक्चर कौन सा है जी, प्रो टिप्स फॉर क्लाइंट हंटिंग लेक्चर नंबर 10 जी। यहाँ से जो है हम आज वो वाला मेथड सीखेंगे कि जो बहुत ही इफेक्टिव होने जा रहा है। अगर आपको ये मेथड पहले पता है और आप इस पर अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो आपको सबको यही आइडिया है या यही जो एडवाइस है कि आप इस मेथड पर लाजमी काम कीजिएगा। ये मेथड बहुत अट्रैक्टिव है और इससे बहुत ज़्यादा जो रिप्लाई है वो आए हैं, और इतने क्लाइंट जो है वो आपके साथ बातचीत करते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे इसके इफेक्टिवनेस को देख के, इसके रिजल्ट्स को देख के। चले यहाँ पे आपने पता क्या सर्च करना है, बात सारी वो कहते हैं कीवर्ड्स की ही होती है। जब आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, तब आपके लिए क्लाइंट हंटिंग भी आसान हो जाती है, तब आपके लिए गूगल में रैंक करना भी आसान हो जाता है, तब आपके लिए फाइवर भी आसान हो जाता है। चले यहाँ पे हम जो है वो कीवर्ड लिखते हैं, लिंक्डइन पे भी समझ लें कीवर्ड रिसर्च है। अब यहाँ पे हमने लिखना है सीईओ। अब सीईओ कहते हैं ऑनर ऑफ दी कंपनी, यानी ठीक है जो भी कंपनी का ऑनर होगा, हम उसे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में वो प्रो टिप्स बताने जा रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों ने चले जाना है पीपल में। अब कुछ लोग कहते हैं कि सीईओ लिखें और साथ एसईओ लिखें तो एसईओ के सीईओ आ जाएंगे, और एसईओ का कोई सीईओ नहीं होता। एसईओ जो है वो किसी एजेंसी का नाम हो सकता है। वैसे आपने जस्ट सीईओ लिखना है, जो सीईओ होता है वो किसी भी कंपनी का ओनर होता है, और जो किसी भी कंपनी का ऑनर होता है और वो लिंक्डइन पर रजिस्टर्ड होता है, तो इसका मतलब है उस कंपनी की वेबसाइट्स लाजमी होती हैं, और वो ऑलवेज जो है वो बंदा ढूंढ रहे होते हैं कि कोई बंदा मेरे से बातचीत करे जिसको मैं हायर कर लूं और वहां से अपनी साइट को रैंक करवा सकूं। तो आपको सीईओ को फाइंड करना बहुत इजी वे है, वही हम सीखने जा रहे हैं आज। यहाँ पे हमने लोकेशन पे क्लिक करना है। अब आपको मैं साथ ही टॉप कंट्रीज भी बता दूं, यूनाइटेड स्टेट, यूके और यूक्रेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जिनका बजट बहुत अच्छा होता है। अगर आपको यूक्रेन की कंपनी मिल जाए या यूनाइटेड स्टेट की, तो ये बहुत हाई बजट क्लाइंट्स होते हैं। यहाँ से हमने यूक्रेन पे क्लिक कर दिया, शोर रिजल्ट पे करते हैं यहाँ पे कौन से रिजल्ट होते हैं। अब एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये देखें अब मज़ा आने वाला है कि आप कंपनीज में जाके हम सीईओ ढूंढेंगे बाद में, अभी हम जो है वो किस तरह से डायरेक्ट सीईओ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रो मेथड है जी लिंक्डइन पे क्लाइंट हंटिंग का। चले यहाँ से मैं जो है वो इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इस सीईओ को भी ओपन कर लेता हूँ और एंड पे लास्ट थर्ड को भी ओपन कर लेता हूँ। मैंने 3 सीईओ ऑफ दी कंपनीज जो है वो ओपन कर लिए। अब आप ये समझिए कि आप बिजनेसमैन बंदे को मैसेज करने जा रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन बंदे को मैसेज करने जा रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए और साथ में ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, साथ में आपके पावरफुल प्रोजेक्ट्स लगे होने चाहिए, साथ में आपके फीचर में हर चीज़ लगी होनी चाहिए, और फिर ही आप सीईओ को मैसेज करेंगे तो वो आपको रिप्लाई करेगा। इससे पहले भी अगर आप सीईओ को मैसेज कर रहे होंगे, तो आप कह रहे होंगे सर सीईओ का रिप्लाई नहीं आता। लेकिन अगर आप फुल ऑप्टिमाइजेशन अकाउंट के साथ और फुल आपकी जो है वो अट्रैक्टिव इमेज के साथ लिंक्डइन पर सीईओ को अप्रोच करेंगे, तो वो बहुत जल्द आपको रिप्लाई करेगा। यहाँ से मैंने देखा ये जो है इसको हम मैसेज सेंड कर सकते हैं या नहीं, ये मैंने इसको ऑलरेडी मैसेज जो है वो सेंड किया हुआ है, अभी तक इसने मैसेज देखा नहीं है, लेकिन जो है ये मैसेज बहुत जल्द देख सकते हैं। अब इसको भी मैसेज मारा गया हुआ है जी। आप कहेंगे कि आपके मैसेज तो सबको गए हैं। हम यहाँ से कंट्री जो है वो चेंज करते हैं, यूक्रेन के अलावा जो है हम कोई और लगाते हैं। यहाँ पे हम जर्मनी लगा के देखते हैं जी। मैंने जैसे जर्मनी सेलेक्ट की, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो जर्मनी के सीईओ आ जाएंगे। अब आपको इस तरह की ना कंपनीज कभी लिंक्डइन पे नजर आएंगी, ना आपने कभी देखी होगी जिस कंपनी के ये सीईओ होंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है
इस मेथड से। उम्मीद है कि आपको ये मेथड जो है वो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। चले यहाँ पे जो है ये सी ओपन हो गया है जी। सिंपल आप लोग इसे कनेक्ट भेज सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। अब आपने टेम्पलेट जो है वो बहुत अच्छा यूज़ करना है। टेम्पलेट तो नहीं, हम डायरेक्ट मैसेज लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा हाय, अब क्लाइंट का मैंने क्या लिखना है जी, नाम लिखना है। जैसे ही मैं इसका नाम लिखूंगा MIROSLAV, यानी इनके नाम पढ़ने में तो बहुत अजीब होते हैं। यहां से मैंने देखा आई हैव सीन दैट यू आर दी सीईओ ऑफ कौन सी कंपनी है, GmbH। आप इस कंपनी के सीईओ हैं जी। आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय योर प्रोफाइल एंड आई वुड आल्सो इन्फॉर्म यू डैट आई एम एसईओ एक्सपर्ट टू बिल्ड योर एसर्स। मैं आपको क्या फायदे दे सकता हूँ ऑन गूगल एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, वुड यू लाइक टू इंक्रीज योर बिजनेस देन लेट मी नाउ। यानी अगर आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। यानी आपने इस तरह से उसको बहुत अट्रैक्टिव जो है वो मैसेज सेंड करना है ताकि वो हमारा कनेक्शन जो है वो एक्सेप्ट कर ले। लाजमी नहीं है कि हम 5 भेजेंगे 5 एक्सेप्ट होंगे। यहाँ पे 100 में से 5 भी हो जाएं तो आप समझिए बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, फ्रीलांसिंग में इतना कंपटीशन हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब यहाँ से हम दूसरे को कर सकते हैं, तीसरे को, यहाँ से 1 by 1 आप सारों को मैसेजेस कर सकते हैं। इस लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको यही प्रो टिप्स बतानी थी कि हम किस तरह से लिंक्डइन पर सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह से उनको मैसेजेस कर सकते हैं। ये मैसेज टेम्पलेट ये सारे के सारे मैं लाइव इसलिए लिख के बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपको क्लियर हो जाए, और अगर फिर भी समझ ना आए या कोई भी टेम्पलेट चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है यह लेक्चर समझ आ गया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।